हेलो रिवान वेलकम टू फार्मर ऑक्स यूट्यूब चैनल फार्मर ऑक्स के यूट्यूब एजुकेशनल चैनल में आपका स्वागत है इन टूडेज वीडियो लेक्चर वी विल स्टडी इन डिटेल अबाउट द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं पीएनएस तो हम नर्वस सिस्टम के बारे में डिटेल में स्टडी कर रहे हैं और शुरुआत के जो पार्ट वन से लेकर नौ के जो लेक्चर थे पार्ट वन टू नाइन वो स्पेशली रहे हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के ऊपर और जिसके अंदर हमने डिटेल में स्टडी की ब्रेन के बारे में एज वेल एज स्पाइनल कॉर्ड के बारे में इवन ब्रेन में से निकलने वाली और उसके साथ एसोसिएटेड टोटल जो ट्वेल्व क्रेनियल नर्व्स होती है उसके बारे में भी हमने स्टडी किया और स्पाइनल कॉर्ड के साथ एसोसिएटेड टोटल थर्टी वन स्पाइनल नर्वस के बारे में भी हमने स्टडी की तो वो था हमारा डिटेल वीडियो लेक्चर एक से नौ जो पार्ट थे रिगार्डिंग द सीएनएस अब जो आज का जो लेक्चर है कि जो पार्ट टेन है नर्वस सिस्टम का और पार्ट टेन के अंदर हम डिटेल में स्टडी करेंगे कि क्लासिफिकेशन एंड फंक्शन ऑफ ए पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कि जिसको हम कहते हैं पीएनएस जिसको हम कहते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम किस तरह से तैयार होता है और उसके जो डिटेल क्लासिफिकेशन है उसके बारे में हम ये वीडियो लेक्चर के अंदर डिटेल में स्टडी करेंगे सो एक्सपर्ट लेक्चर बाय अमर सर असिस्टेंट प्रोफेसर एंड फाउंडर ऑफ फार्मरॉक्स थैंक यू फॉर बीइंग वन लेक फैमिली ऑफ फार्मरॉक्स अपडेटेड रहिए नॉलेज के साथ एक्सेस करिए स्टडी मटेरियल टेस्ट सीरीज़ वीडियो लेक्चर ऑन एफ फॉमारॉक्स तो अगर आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन है तो डाउनलोड करिए हमारा एंड्रॉयड ऐप और अगर आपके पास आईफोन है तो ऐप स्टोर पर से भी आपको डाउनलोड कर सकते हैं तो नर्वस सिस्टम के बारे में जो हम शुरुआत से स्टडी करते आए हैं और तो उसमें सबसे पहले तो जो कॉन्सेप्ट है नर्वस सिस्टम का तो नर्वस सिस्टम जो है हमारा बना हुआ है ऑफ़ द न्यूरॉन्स या फिर जो न्यूरॉन सेल्स कहते हैं उसका बना हुआ है हमारा नर्वस सिस्टम और ये न्यूरॉन सेल्स एक दूसरे के साथ कंबाइन होकर बनाते हैं जो स्ट्रक्चर उसको हम कहते हैं नर्व्स कि जो नर्व फाइबर ऐसा हम बोलते हैं नर्व फाइबर तो ये नर्व फाइबर जो है वो ट्रांसमिट करते हैं सिग्नल्स को बिटवीन द डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी कि जो हमारे नर्वस सिस्टम जो पूरे बॉडी के अंदर फैलाओ के जैसे ऊपर की ओर ब्रेन तो वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट है और जो स्पाइनल कॉड है उसके साथ एसोसिएटेड वो भी सेंट्रल नर्वस सिस्टम है बट ब्रेन में से निकलने वाले टोटल ट्वेल्व क्रेनियल नर्व्स की जो अलग अलग बॉडी पार्ट्स की ओर पहुँचती है एज वेल एज स्पाइनल कॉर्ड में से निकलने वाली टोटल थर्टी वन पेयर ऑफ स्पाइनल नर्व्स ये सब एक दूसरे के साथ एसोसिएटेड होकर अलग अलग हमारे ऑर्गन्स तक पहुंचती है अलग अलग हमारे बॉडी के पार्ट्स की ओर पहुंचती है और इन्वॉल्व होती है इन अ ट्रांसमिशन ऑफ ए सिग्नल तो ये हमारा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है कि जो हमें अलग अलग सेंसेशन प्रोवाइड करता है और वो सेंसेशन के अकॉर्डिंग टू हमारे बॉडी के मिलते हैं हमें डिफरेंट मोटर रिस्पॉन्सिस तो नर्वस सिस्टम इज इन्वॉल्व इन रिसीविंग द इन्फॉर्मेशन अबाउट द एनवायरमेंट अराउंड कि हमारे आसपास जो भी एनवायरनमेंट है वहाँ पे जो भी कोई घटनाएं बनती है कोई टेम्परेचर चेंज होते हैं एटमोसफियर में चेंज होती है कोई आवाज़ें होती है कोई एक्टिविटीज़ होती है वो सब हमें पता चलता है तो वो है सेंसेशंस और वो सेंसेशन के सामने हमारी बॉडी रिस्पॉन्स देती है या फिर उसके सामने हम कोई भी रिएक्ट करते हैं तो जो हमारे रिएक्शंस देखने को मिलते हैं अलग अलग रिस्पॉन्स देखने को मिलते हैं वो सभी रिस्पॉन्सिबल है ड्यू टू द नर्वस सिस्टम कि अगर हमारी नर्वस सिस्टम डैमेज होती है तो हमारे मोटर रिस्पॉन्स के ऊपर अफेक्ट होता है और हमारी सेंसेसंस ऊपर तो नर्वस सिस्टम का हमारे बॉडी के अंदर बहुत ही इम्पोर्टेंस है और सभी जो हमें जो अलग अलग संवेदनाएँ होती है सेंसेशन होते हैं और उसके सामने जो भी हम मोमेंट करते हैं रिएक्शन करते हैं तो वो नर्वस सिस्टम के कारण पॉसिबल है तो सबसे पहले हमने क्लासिफिकेशन देखा था सिंपल नर्वस सिस्टम का कि जो शॉर्ट इन uh, एक क्लासिफिकेशन था कि नर्वस सिस्टम को हम सबसे पहले दो पार्ट के अंदर डिवाइड कर देते हैं फर्स्ट बनता है हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम और सेकंड बनता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम सेंट्रल नर्वस सिस्टम आगे और दो पार्ट में कन्वर्ट हुआ एक हुआ ब्रेन और दूसरा स्पाइनल कॉर्ड फिर जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है उसके भी दो पार्ट पड़ते हैं। एक तो इफेरेंट और दूसरा ऑफेरेंट फिर इफेरेंट आगे जाके और दो पार्ट में डिवाइड होता है सिस्टम और सेकंड दैट इज सोमेटिक नर्वस सिस्टम फिर ए एन एस के तीन पार्ट है एक पैरा सिम्फेथेटिक दूसरा सिंपेथेटिक और जो तीसरा क्लास है दैट इज एंटेरिकोर्सन तो ये था पूरा क्लासिफिकेशन नर्वस सिस्टम का तो हमने जो आगे एक से नौ पार्ट थे फार्मारोक्स के जो नर्वस सिस्टम रिलेटेड वीडियो लेक्चर में उसके अंदर ब्रेन और स्पाइनल कोड की हमने डिटेल में स्टडी कर ली और आज का जो लेक्चर है कि डिटेल क्लासिफिकेशन ऑफ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और उसमें मैं आपको समझाऊँगा कि व्हाट इज़ इफेरेंट वॉट इज अफेरेंट मोटर के टाइप के फंक्शन क्या है सेंसरी टाइप के फंक्शंस क्या होते हैं तो वो समझते हैं आज के लेक्चर के अंदर तो सबसे पहले आपको ब्रेन का तो आइडिया है कि ये हमारा ब्रेन कि जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम का मेन पोर्शन है और ब्रेन में से टोटल ट्वेल्व पैर निकलती है क्रेनियल नर्व्स की और वो ज्यादातर एसोसिएटेड है हमारे ये पॉन्स के रीजन के साथ कि जो पॉन्स का जो रीजन हम कहे तो ये पॉन्स का रीजन मिड ब्रेन का रीजन और मेड्यूला ओब्लोंगाटा का कि जो बनाते हैं हमारे ब्रेन स्टेम को फिर जो स्पाइनल कॉर्ड है कि जो टोटल उसके अलग अलग जो रीजन उसके अकॉर्डिंग टू टोटल थर्टी वन पेर है हमारी स्पाइनल नर्व्स की टोटल थर्टी वन पेर होती है स्पाइनल नर्व्स की तो ये स्पाइनल नर्व्स भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी के अंदर की जो अलग अलग बॉडी पार्ट्स की ओर पहुंचती है तो इस तरह से ये बारह पेयर क्रेनियल नर्व्स के और थर्टी वन पेर स्पाइनल नर्व्स के वो कंबाइन होके बनाता है हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कि पे देखिए ये डायग्राम के अकॉर्डिंग टू कि जो ब्रेन है तो ब्रेन में से निकलने वाली ये स्पाइनल नर्व्स देखिए यहां पे जो न्यूरॉन्स दिखाई गई है तो ये जो है वो अलग अलग क्रेनियल नर्व क्रेनियल नर्व तो वो टोटल 12 पैर है वो हमें पता है ट्वेल्व पैर और सेकंड की जो ये हमारा सा स्पाइनल कॉर्ड और स्पाइनल कॉर्ड में से ये सब निकलने वाले ये जितने भी अलग अलग ये जो न्यूरॉन्स आप देख रहे हैं देट आर स्पाइनल नर्व और ये स्पाइनल नर्व टोटल कितनी है थर्टी वन पैर है तो चाहे क्रेनियल नर्व हो या फिर स्पाइनल नर्व हो उसका एक पोर्शन जो है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में होता है और उसका दूसरा पोर्शन पहुंचता है हमारे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की ओर मतलब कि मैं एक सिंपल आपको एक डायग्राम ड्रॉ करके यहाँ पे समझाऊँ कि समझो कि ये एक जो मैं एक सर्कल ड्रॉ कर रहा हूँ कि एक सिंपल समझिए कि ये एक सर्कल है और ये सर्कल इंडिकेट करता है सी एन एस को सेंट्रल नर्वस सिस्टम और सेंट्रल नर्वस सिस्टम के जब हम बाहर निकल जाते हैं और ये बाकी का जो रीजन में अभी ड्रॉ कर रहा हूँ वो समझिए कि वो पूरा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है कि ये भी पी एन एस कहा जाएगा ये भी पी एन एस है ये साइड आओ तो भी आप पी एन एस में ही कहे जाओगे और हियर दैट इज ऑल्सो द पी एन एस मतलब कि ये सर्कल में से जैसे ही हम बाहर निकलते हैं तो वो कहा जाता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम तो सी एन एस जो है यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ चलो सी एन एस और इसका मैं एक सेंटर पॉइंट बना देता हूँ यहाँ पे ये मेरा है एक सेंटर पॉइंट है तो समझो कि कोई न्यूरॉन जो है वो अब निकल रही है यहां से तो ये न्यूरॉन ट्रैवल कर रही है ये सेंटर पॉइंट में से आ रही है और हा तक आ गई तो थोड़ा आप मैथमेटिकली करते हैं तो और ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगा और आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि समझो कि मैं ये सेंटर पॉइंट को लिखता हूँ ओ लिख लेता हूँ और जब सर्कल के यहां तक जो न्यूरॉन्स आती है ये पॉइंट की ये जो पॉइंट पे जब अटैचमेंट होता है तो वो पॉइंट को मैं लिख लेता हूं चलो ए लिखता हूं पॉइंट को लिखता हूं मैं अब यह न्यूरॉन जो है वो आगे पैरिफ ये आगे और ट्रैवल करने वाली है और पहुंचेगी यहां तक कि वो ये जो है वो एंड है कि समझो कि कोई है तो स्किन का लास्ट पार्ट है कि ये तो तक ये तो तक उसका एंड पॉइंट है और उसको मैं लिख लेता हूं बी तो ओ से ए का जो रीजन है उसको हम कहेंगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम कि हमारी जो ये न्यूरॉन है उसका ओ से लेकर ए तक का जो रीजन है वो कहा जाएगा सेंट्रल नर्वस सिस्टम और वही न्यूरॉन जब आगे ए पॉइंट से लेकर बी पॉइंट के बीच में है तो वो कहेंगे हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कि वो अब पेरिफेरी में आ चुकी है सर्कल में से बाहर निकल चुकी है सेंट्रल रीजन में से बाहर निकल के अब पेरिफेरल रीजन में जा रही है तो ये जो है रीजन की जो पैरिफेरल नर्वस सिस्टम की जो ए से बी सेम लाइक दैट समझे कि यहाँ पे भी इस तरह से आ रही है ये साइड पे तो ये साइड पे भी उसका जो ओ से ए का रीजन भी कहा जाएगा सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर और जब ए से यहां नीचे की ओर जाएगी तो ये बी पॉइंट यहाँ पे है तो सेम लाइक दैट ए से बी कहा जाएगा तो इस तरह से आपका जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पे कंप्लीट होता है कि व्हाट इज सेंट्रल नर्वस में है कि जो वहां पे इन्वॉल्व हो जाता है ब्रेन और हमारा स्पाइनल ब्रेन एंड स्पाइनल कॉड और उस ब्रेन और स्पाइनल कॉड में से जितनी भी न्यूरॉन्स बाहर निकल के उनके रीजन से बाहर निकल जाती है उनकी बाउंड्री से बाहर निकल जाती है तो यह वाली जो स्क्रीन है उसका आप स्क्रीन जो है वो ले सकते हैं कि जिससे आपका ऑलवेज जो फंडा है वो क्लियर रहे रिगार्डिंग द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम तो अब जो मैं ये एनोटेशन है अब यहाँ पे हटा देता हूं कि जो हमने जस्ट आपको एक्सप्लेनेशन के लिए बनाया था तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम इज़ द डिवीजन ऑफ नर्वस सिस्टम कंटेनिंग ऑल द नर्व्स दैट लाइज आउटसाइड द सेंट्रल नर्वस सिस्टम कभी जैसे हमने समझा कि ये समझे कि मैं कोई बॉक्स बना रहा हूँ और सेंटर में मैंने ये ड्रॉ किया कि वो था सेंट्रल नर्वस सिस्टम तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से बाहर निकलने वाली जितनी भी न्यूरो से वो सब कही जाती है पेरीफेरल नर्वस सिस्टम की न्यूरॉन्स तो पेरीफेरल नर्वस सिस्टम इज द डिवीज़न ऑफ द नर्वस सिस्टम कंटेनिंग ऑल द कंटेनिंग ऑल द नर्व्स दैट लाई आउटसाइड द सीएनएस सी एन से बाहर निकलती जितनी भी न्यूरॉन्स है वो सभी कही जाती है पेरीफेरल नर्वस सिस्टम की और उनको हम कहते हैं पेरीफेरल नर्व्स पेरीफेरल नर्व्स की जो अभी यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये लेग्स की और लेग्स के रीजन में नीचे जो ये सब न्यूरॉन से ये सब पेरिफेरल नर्व से हाथ के रीजन में रही ये सब पेरिफेरल नर्व से एज वेल एज यहाँ पे भी रही तो ये है सब जो थर्टी वन पेर जो हमने सीखे थे थर्टी वन पेर स्पाइनल नर्व्स के वो है और जो फेस के रीजन पे आप देख रहे हैं यहाँ पे तो वो ब्रेन में से निकलने वाले टोटल ट्वेल्व क्रेनियल नर्व्स तो ये आपका कॉन्सेप्ट अब अच्छे से क्लियर हो गया कि जितनी न्यूरो सी एन एस में से बाहर निकल जाती है और बाहर निकल के जब हमारे ये पेरिफेरल रीजन में पहुँचती है कि ये हमारे हैंड का पेरिफेरिक है, लेग्स का है, लंग्स का का है, का, का है तो जितने भी हमारे पेरिफेरल एरिया है हमारी बॉडी के वो सभी एरिया में पहुंचने वाली जो हैं, वो कही जाती है पेरीफेरल नर्व्स और ये पेरिफेरल नर्व से बनता जो सिस्टम वो बनता है पेरीफेरल नर्वस सिस्टम जिसको हम कहते हैं पीएनएस द प्राइमरी रोल ऑफ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम इज टू कनेक्ट द सीएनएस टू द ऑर्गन्स लिम्स एंड द स्किन तो जो हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है वो कनेक्ट करता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम को हमारे अलग अलग ऑर्गन्स के साथ हमारे लिम्स के साथ और जो हमारे बॉडी की स्किन है वो स्किन को सी के साथ या फिर सी को स्कींस के साथ मतलब कि दोनों के बीच का एक ब्रिज का, का काम करती है और वो सब मिलाकर बनाते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को तो इस तरह से ये देखिए कि जो ब्रेन है यहां पे मैं लिखू तो चलो ब्रेन है तो ब्रेन होगा आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम फिर ये ब्रेन में से नीचे स्पाइनल कॉर्ड तक आप आते हैं वो भी आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम ही है बट यहां तक सेंट्रल नर्वस सिस्टम कि जो मैंने ये रेड ब्लैक किया है तो ब्लैक जो है तब तक सेंट्रल नर्वस सिस्टम बट अब आगे चलो मैं कलर चेंज कर लेता हूँ आपके लिए और अब कलर रखता हूँ मैं रेड कलर तो अब रेड कलर जो यहाँ से जो स्टार्ट हो गया और ये पहुँचे अलग अलग ऑर्गन्स की ओर तो वो आ गई ये हमारे लेग के रीजन में कि जहाँ पे कोई सेंसरी रिसेप्टर था और ये ये नीचे वाला जो रेड था वो पहुँचा यहाँ तक कि जो मोटर नर्व का एंडिंग था तो जो रेड वाला जो पोर्शन है वो हम कहेंगे यहाँ पे कि दैट इज अ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कि दैट इज अ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कि ये पेरिफेरल में आता है बिकॉज ये पहुँचता है ये हमारे लेग्स की ओर पहुँचता है पेरिफेरी की ओर पहुँचता है बिकॉज ये सब पीएनएस का रीजन जबकि ये सब पी एन एस पे है और ये आ गया वो जगह जंक्शन कि जहां से रेड पोर्शन जहां पे कंप्लीट हुआ वो ये साइड पी एन एस और जैसे ही उससे अंदर चले जाओगे तो वो आ गया फिर उसके अंदर की ओर सेंट्रल नर्वस सिस्टम तो जैसे मैंने अभी आपके लिए जो ड्रॉ करके देखा था कि ये सर्कल और ये सर्कल में से समझो कि हम बाहर निकल जाते हैं तो बाहर निकल जाने के बाद जो पूरा एरिया पड़ता है वो कहा जाता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को तो ये कॉन्सेप्ट अब आपका क्लियर होगा और और भी ज़्यादा एक्सप्लेनेशन के लिए एक और हम यहाँ पे हाइलाइटर से ये डायग्राम को हाईलाइट कर सकते हैं कि ये जो मैं येलो कर रहा हूँ वो रीज़न समझे कि हम समझे सेंट्रल नर्वस सिस्टम का तो ये येलो बाउंड्री में से जब जो कि आप बाहर निकल जाते हैं तो इवन ये ये ब्रेन भी सेंट्रल नर्वस सिस्टम का ही भाग है तो ये जो येलो रीजन में से जब बाहर निकल जाते हैं तो जो रीजन आता है वो हमारा है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के पास भी दोनों टाइप की न्यूरॉन है उसके पास सेंसरी न्यूरॉन भी अवेलेबल है कि जो हमें सेंसेशंस देती है और वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में से इंफॉर्मेशन ले जाती है सी एन एस की ओर तो यहाँ पे कोई भी सेंसेशन हुआ तो वो ये डायरेक्शन में आगे बढ़ेंगे और ये डायरेक्शन में आगे बढ़ के वो पहुंचेगी यहाँ पे सी एन एस के अंदर और सी एन एस से इंफॉर्मेशन लेकर जाएगी ये मोटर न्यूरॉन ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की ओर तो उसी पर से जो नर्वस सिस्टम जो है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम वो दो पार्ट में डिवाइड होता है कि एक हम कहते हैं उसको कि पीएनएस का एक पोर्शन की जो हम कहते हैं मोटर फंक्शन और दूसरा जो सीएनएस का पीएनएस uh, का जो फंक्शन है दैट इज सेंसरी तो हमारे जो पीएनएस है उसके पास दोनों फंक्शन है एक तो मोटर फंक्शन भी है कि जिसके कारण हमारे मसल्स मूवमेंट होते हैं इंटरनल ऑर्गन्स मूवमेंट होती है वो अपना काम ऑटोमेटिक करते हैं एज वेल एज सेंसर है well कि जो भी जगह पे कोई टच होता है कोई इंजरी होती है तो उसके रिलेटेड हमें सेंस सेंसेशन मिलते हैं। इसी तरह से जो ब्रेन के जो मेन पार्ट है उससे बाहर समझो कि आइस की ओर जो न्यूरॉन्स पहुंचती है वो भी पीएनएस में कही जाएगी कि आइज है वो पीएनएस में है और उसका जो एक जो एंडिंग ब्रेन की ओर जाता है वो कहा जाएगा सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर तो इस तरह से इजीली आप ये कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं कि यहाँ तक सी एन एस बट सी एन एस में से निकलने वाली न्यूरॉन यहाँ पे जो आइज हम ड्रॉ करें कि आइज के पास पहुंचने वाली जो ऑप्टिक न्यूरॉन है तो ऑप्टिक तो ऑप्टिक न्यूरॉन का एक पार्ट कि जो आइज की ओर है वो उसका है सेंसरी एंड एट पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और उसी सेंसेशन को अंदर की ओर ले जाएगी सी एन एस की ओर तो इस तरह से हमारा एक्सचेंजेस होते हैं मैसेजेस बिटवीन द सी एन एस टू सी एन एस से पीएनएस में भी इंफॉर्मेश आती है और उसी तरह से पी एन एस से भी सी एन एस की ओर इंफॉर्मेशन जाती है तो दोनों के साइड हम इस तरह से लिख सकते हैं कि दोनों की दोनों साइड मैसेजेस एक्सचेंज होते हैं और उसके लिए ये दोनों रूट इ रिस्पॉन्सिबल है क्योंकि ऊपर की ओर रहा ये डी डॉर्सल और नीचे की ओर रहा ये वेंट्रल रूट की वेंट्रल रूट से हमेशा मोटर न्यूरॉन्स के साथ एसोसिएटेड है और जो डॉर्सल रूट होता है स्पाइनल कोड का वो सेंसरी न्यूरॉन के साथ एसोसिएटेड है तो अब आप समझिए कि टोटल थर्टी वन पेयर ऑफ जो सर्विकल टोटल एट बारह थोरासिक फाइव लैम्बर फाइव सैकड़ एंड वन कॉक्सिजिल। तो ये टोटल थर्टी वन जो है किसका आप समझो कि समय करोगे तो बारह आठ ट्वेंटी ट्वेंटी और थर्टी और टोटल वन इंटू वन दैट इज थर्टी वन पैर हो गई और ये थर्टी वन पैर ये सभी हमारे एरिया की ओर पहुँचती कलर के साथ देखा है कि जो पर्पल कलर है ये सर्विकल वर्टीब्रे के अंदर टोटल रही आठ ये सर्विकल पहुँचती है थोरासिक रीजन में ये जो सेकंड जो लाइट ग्रीन कलर है वो सब बारह थोरासिक स्पाइनल लाव फिर उसके बाद ऑरेंज कलर वाली ये पाँच लेम्बर उसके बाद फाइव करल और वन ओनली कॉक्सिजिल तो इस तरह से फेस के नीचे के बाग में ये पूरी थर्टी वन पेर ऑफ पेरिक्रेनियल स्पाइनल नर्व इन्वॉल्व है एंड इच पेयर कनेक्ट द स्पाइनल कॉर्ड विथ द स्पेसिफिक रीजन ऑफ बॉडी तो स्पेशल स्पेसिफिक रीजन ऑफ बॉडी मतलब कि पेरीफेरल रीजन और वहाँ पे पीएनएस तैयार होगा एंड स्पाइनल कॉड उसका मतलब हो गया वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है तो इंफॉर्मेशन पहुंची सेंट्रल नर्वस सिस्टम से पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और सेम लाइक दैट पीएनएस से सीएनएस के और की ओर भी इंफॉर्मेशन के एक्सचेंजेस होते रहते हैं नियर द स्पाइनल कॉर्ड इच स्पाइनल नर्व्स ब्रांचिंग इनटू द टू रूट और एक रूट को हम कहते हैं डी फॉर डोरसल रूट एंड वी फॉर वेंट्रल रूट कि जो डोरसल रूट ऊपर की ओर होता है और वेंट्रल रूट नीचे की ओर होता है उसी तरह से ये जो क्रेनियल नाउस से वो टोटल बारह है कि उसके अंदर कुछ ऐसी है कि सिर्फ सेंसरी के लिए रिस्पॉन्सिबल है कुछ ऐसी है कि वो सिर्फ मोटर फंक्शंस के लिए एसोसिएटेड है देखिए किसी के ऊपर सिर्फ मोटर ही लिखा है और कुछ ऐसी है कि जो दोनों फंक्शन है बहुत लिखा है देखिए तो कुछ क्रेनियल नर्व स्मेल के लिए रिस्पॉन्सिबल है कि जिसको ऑल फैक्टरी हम कहते हैं विजन के लिए ऑप्टिक नर्व ऐसे ही टेस्ट एंड गैग रिफ्लेक्सेस के लिए ग्लोसोफेर तो ये सभी क्रेनियल नर्व्स की जो टोटल ट्वेल्व पेर है वो सभी के बारे में हमने ऑलरेडी सीखा है तो यहाँ पे ज्यादा हम डिस्कशन नहीं करेंगे उसका तो जो पेरीफेरल नर्वस सिस्टम के बारे में आप समझिए आप तो अब समझिए कि पेरीफेरल नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ऑल द नर्वस एंड टीज दैट लाइज आउटसाइड द सेंट्रल नर्वस सिस्टम भी ऑलरेडी मैंने आपका कॉन्सेप्ट तो क्लियर कर ही दिया है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो क्रेनियल नर्व्स ऊपर की और क्या पूरा आप कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर देख सकते हैं यहाँ पे कि जो ब्लू कलर्स की जितनी भी लाइन से दैट ऑल आर द पेरीफेरल नर्वस की जो हमारे स्पाइनल कॉड एज वेल एज ब्रेन में से निकल रही है तो ऊपर की ओर देखिए कि जो सी एन एस है वो ब्रेन के रीजन के सेरेब्रम का रीजन ब्रेन का फिर सेलेबेलम ब्रेन स्टेम और फिर स्पाइनल कॉर्ड तो जितना येलो किया है ऊपर की ओर ये जो डायग्राम के अंदर वो है सी एन एस और बाकी का जो लाइट ब्लू कलर के जितने भी आप न्यूरॉन्स देख रहे कि ये क्रीनियल नर्व्स आप देखें तो वो भी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है कि ये सब पी एन एस कहा जाएगा कि इवन जो ब्रांचियल फ्लेक्सेस की ओर आ रही है, भी neurons, है, median, ulnar, है जितनी भी न्यूरॉन्स रेडियल है मीडियन अल्नार फिर पोडेंडल नर्वस है कि जितने भी ये यहाँ पे जितने भी ये न्यूरॉन्स आप देख रहे हैं कि जो हमारे यहाँ सभी अलग अलग बॉडी पार्ट्स की ओर पहुंचती है ये सभी बनाती है हमारे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को तो इट इज इट्स मेन फंक्शन इज टू कनेक्ट द एन एस टू द रेस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म की जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसको हमारे ही बॉडी के अलग अलग पार्ट्स के साथ वो अटैच करवाता है द टिश्यू दैट मेकअप पेरिफेरल नर्वस सिस्टम आर नर्व्स एंड गैंगलिया कि जो टिश्यूज जो बनाती है पीएनएस को और उनकी नर्व्स को उनको हम कहते हैं न्यूरॉन्स नर्व्स या फिर उनको गेंगलिया कहते हैं द पेरीफेरल नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द नर्व्स दैट ब्रांच आउट ऑफ द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉड ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में से जितनी भी नर्व्स उनकी जो ब्रांचेस निकल रही है और वो पीएनएस से बाहर निकल के जब पेरीफेरल की ओर पहुंचती है तो वो कही जाती है पेरीफेरल नर्व्स तो जो पेरीफेरल नर्व्स है वो दो टाइप की बन जाती है एक तो सेंसरी कि जो सेंस ऑर्गन्स के पास है जैसे कि सेंस ऑर्गन्स के पास रही आइस के पास रही ऑप्टिक नर्व्स फिर ईयर के पास रही न्यूरॉन्स की जो क्रेनियल नर्व्स है हमारे नोस के पास पहुँचती है हमारी डंग के आसपास आती है तो ये सभी सेंसरी ऑर्गन्स की ओर पहुंचती है और बाकी की जो न्यूरॉन्स ऐसी है कि जो मोटर फंक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है और मोटर फंक्शन भी दो टाइप के है एक ऐसे मोटर फंक्शंस की जो स्केलेटल मसल्स के पास है कि जो हमारा स्केलेटन है हमारा कि जैसे हमारे आ, हाथ की और जो हमारे स्केलेटल मसल्स है लेग्स के पास जो स्केलेटल मसल्स है कि जो हमें मूवमेंट देते हैं मूवमेंट ऑफ बॉडी कि हमारी बॉडी की किसी भी मूवमेंट के लिए कि हमारे हाथ की मूवमेंट हो रही है हमारे लेग्स की मूवमेंट हो रही है तो जो भी हम मूवमेंट कर रहे हैं तो दैट इज ड्यू टू द स्केलेटल मसल्स की मूवमेंट और स्केलेटल मसल्स की मूवमेंट के लिए जो रिस्पॉन्सिबल न्यूरोन्स है मोटर न्यूरो ऑफ ए पेरेफेरल नर्वस सिस्टम सेम लाइक दैट जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स है जैसे कि हार्ट तो हार्ट के जो मसल्स मतलब कि कार्डियक मसल्स फिर इंटरनल ऑर्गन्स के स्मूथ मसल्स फिर ग्लैंड के अलग अलग मसल्स उनके रिलेटेड जो फंक्शन है वो कहे जाते हैं ऑटोनॉमिक मतलब कि हार्ट है उस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है ऑटोमेटिकली हार्ट अपने हार्ट बीट्स चालू रखता है वैसे ही किडनी देखिए तो हम सोते हो तो भी किडनी अपना काम करती ही रहती है हम सो जाए तो भी हमारा हार्ट जो है वो अपने हार्ट बीट करता रहता है हमारे ब्रीथिंग्स चालू रहते हैं तो वो फंक्शन इन वॉलेंटरी है मतलब कि हम सो जाए तो भी हमारे फंक्शंस चालू रहते इवन हमारी उन पर नज़र ना हो तो भी वो ऑटोमेटिकली अपने काम करते रहते हैं इस तरह से हम समझ सकते हैं जबकि सोमेटक की जो वॉलेंटरी है वॉलेंटरी मतलब कि उन पे जो है वो हमारा कंट्रोल है कि हम चाहे उससे उतना काम ले सकते हैं कि वॉलेंटरी कि हम समझो कि जितना चाहे उतना हम हमारे हयात और पैर की मूवमेंट करा सके जितना चाहे उतना हम उनको रेस्ट दें जितना चाहे उनसे काम लें तो वो हो जाते हैं कि मोमेंट हमारे ऊपर जो डिपेंड है कि, कि इसीलिए उसको नाम दिया है वॉलेंटरी तो दिस नर्व फ्रॉम The communication network between the CNS and the body parts, the peripheral nervous system is further subdivided into somatic nervous system and autonomic nervous system. कि आगे जाके उसके दो पार्ट पढ़ते हैं, somatic एंड autonomic. और somatic को मैंने समझाया इस तरह से voluntary function है उसका और उसके example है skeletal muscles और responsible है movement के लिए हमारे body के अलग अलग parts के और जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है वो इंटरनल ऑर्गन्स की ओर पहुंचता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जैसे कि हार्ट का हम एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं बेस्ट हमारी किडनी का एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं इवन लीवर का भी एग्जाम्पल ले सकते हैं कि जो जितने भी इंटरनल ऑर्गन्स स्टमक वगैरह है इंटेस्टाइन का है लार्ज इंटेस्टाइन तो सभी इंटरनल ऑर्गन्स की ओर जो अपना फंक्शन देता है दैट इज़ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम और सोमेटिक की जो वॉलेंटरी है कि जो हमारे स्केलेटन्स के साथ ज़्यादा डील्स करता है और स्केलेटल मसल्स और वो हमें मोमेंट देते हैं कि जैसे हमारा स्केलेटन है हमारे लेग्स के अंदर भी जो स्केलेटन से बॉन्स से उसके कारण या फिर बॉन के जॉइंट्स के कारण हम मोमेंट करते हैं हमारी अलग अलग इवन हमारे शोल्डर्स को हम के साथ एटेस जो हमारा हैंड है उसको मूव करवा सकते हैं तो वो सब सोमेटिक फंक्शन है तो इस तरह से देखिए ये वाला एक और डायग्राम है कि जो ब्रेन ब्रेन में से निकलने वाली ये सब क्रेनियल नर्व्स और ये पेरिफेरल नर्व्स तो उसका डिटेल आप समझना चाहे तो ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम कि जो ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड से बना फिर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कि जिसके अंदर लिखा है कि क्रेनियल नर्व एंड स्पाइनल नर्व कम्युनिकेशन बिटवीन द सी एन एस एंड द रेस्ट ऑफ द बॉडी उसके दो पार्ट एक ये मोटर वाला डिविजन की जो मोटर नर्व फाइबर से कौन से नर्व फाइबर से मोटर नर्व फाइबर से कि जो कंडक्ट करते हैं इम्पल्सिस फ्रॉम सी एन एस टू मसल्स एंड ग्लैंड क्योर के सेंट्रल नर्वस सिस्टम से आते हैं इंफॉर्मेशन और वो हमारे अलग अलग ऑर्गन्स की ओर पहुँचेगी समझो कि हमारे हैंड्स की ओर पहुंचेगी या फिर इंटरनल ऑर्गन्स की ओर पहुंचेगी कि समझो कि यहाँ पे लीवर है तो लीवर की और वो इन्फॉर्मेशन आएगी और दूसरा सेंसरी तो सोमेटिक एंड विसरल सेंसरी नर्व फाइबर की जो कंडक्ट द इम्पल फ्रॉम रिसेप्टर टू सी एन एस रिसेप्टर मतलब कि जो हम भी जो हमने वो डायग्राम देखा था उसमें था कि किसी भी हमारे बॉडी के पार्ट पे जो सेंसरी रिसेप्टर होते हैं वो सेंसरी रिसेप्टर कि समझो कि यहाँ पे कोई सेंसरी रिसेप्टर है एस करके मैं लिख लेता हूँ तो ये सेंसरी रिसेप्टर अपना इंफॉर्मेशन आगे स्पाइनल कॉड और स्पाइनल कॉड में से ब्रेन क्यूर इंफॉर्मेशन लेके जाएगा तो वो हो गया उसका सेंसरी डिवीजन मोटर के आगे दो पार्ट कि एक somatic, कि सोमेटिक जो जो अभी समझाए इस तरह से स्केलेटल मसल्स की कि जो स्केलेटन है उसकी और दूसरा ऑटोनॉमिक तो ऑटोनॉमिक जो है वो क्या करता है इनवॉलेंटरी uh, है कंडक्ट द इम्पल्स फ्रॉम सी एन एस टू कार्डियक मसल्स स्मूथ मसल ग्लैंड वगैरह तो इसके दो पार्ट पढ़ते हैं एक सिंपैथेटिक एंड दूसरा पैरा सिंपेथेटिक तो जो मोबिलाइज द बॉडी सिस्टम ड्यूरिंग द एक्टिविटी की जिसको फ्लाइट और फ्ला, फ्लाइट और फाइट रिस्पॉन्स कहते हैं और दूसरे की कंजर्व द एनर्जी की जिसको हम कहते हैं हाउस कीपिंग की प्रमोट द हाउस फंक्शंस ड्यूरिंग द रेस्ट तो इस तरह से पूरा हमारा सी एन एस और पेरीफेरल नर्वस सिस्टम का डिटेल क्लासिफिकेशन जो है वो तैयार होता है तो व्हाट आर द मेन फंक्शंस ऑफ ए सेंट्रल नर्वस सिस्टम उसके मेन फंक्शंस क्या है तो अभी जैसे समझा कि कनेक्ट करता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम को टू द रेस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म ऑफ अवर बॉडी पार्ट टी दैट मेक अप दी एन एस आर नर्वस एंड गैंगलिया जिसको हम कहते हैं एंड द मेन फंक्शन ऑफ द पेरेफेन सिस्टम इज टू कनेक्ट द सी एन एस टू द लिम्स ऑर्गन्स एस्पेशली सर्विंग गैस द रिले बिटवीन द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड एंड द रेस्ट ऑफ द बॉडी कि जो रिले बनता है कि कोई भी हमारे बॉडी पार्ट पे कुछ इंजरी होती है कोई सेंसेसन होते हैं तो वो इन्फॉर्मेशन तुरंत लेकर जाएगा हमारे ब्रेन की ओर और, और ब्रेन में से जो भी रिस्पॉन्स आते हैं वो रिस्पॉन्स इसको भी रिटर्न वहां पे लेकर आएगा तो रिले स्टेशन का काम बनता है ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का तो हमारे जो लेक्चर्स होते हैं उसके पीडीएफ एंड पीपीटीज़ आप एक्सेस कर सकते हैं फार्मारोक्स की मोबाइल ऐप के ऊपर तो अभी डाउनलोड करिए फार्मारोक्स तो आगे के जो टॉपिक है वो नेक्स्ट टॉपिक के अंदर हम सीखेंगे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के बारे में कि जिसको हम कहते हैं ए और फिर एस एन एस के बारे में भी पढ़ेंगे कि जिसको हम कहते हैं सोमेटिक नर्वस सिस्टम टू गेट द लेक्चर पी डी एफ एंड पीपीटीज़ ऑन एफ फार्मर ऑक्स थैंक यू फॉर एक्सेस दिस लेक्चर ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप ग्रुप एक्सेस करिए स्टडी मटेरियल टेस्ट सीरीज वीडियो लेक्चर ऑन एफ फार्मर ऑक्स सो गुड लक एंड ऑल द बेस्ट